जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात करने वाले बीएसएफ ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जी हां दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम कब तक होगा, साथ ही दोस्तों एग्जाम तक आप बचे हुए दिनों में कैसे तैयारी करें ताकि 80 प्लस का जो टारगेट है वो आप पूरा कर सके, क्योंकि 2021 का जो बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो आप लोगों का रिजल्ट था वो हाल ही में जारी हुआ है, और उसकी कट ऑफ के बाद में अगर एनालिसिस के आधार पर बात करें कि 2023 का जो रिक्रूटमेंट है उसमें आप लोगों को किस रणनीति से तैयारी करनी पड़ेगी ताकि इस बार आप लोगों का 2023 में बीएसएफ ट्रेड्समैन में सिलेक्शन हो जाए। साथ ही बात करने वाले 2021 और 2023 का जो रिक्रूटमेंट है उसमें कंपटीशन में कितना अंतर आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार के रिक्रूटमेंट में काफी बड़े बदलाव बीएसएफ की तरफ से कर दिए गए हैं। साथ ही रिटर्न एग्जामिनेशन में टोटल कितने कैंडिडेटों को पास किया जाएगा, मतलब पीटी और पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखना। साथ ही जानकारी अच्छी लगे अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही बीएसएफ ट्रेडमैन भर्ती से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं और चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का इस बार सबसे पहले होने वाला है भाई रिटर्न एग्जामिनेशन। इस बार सबसे पहले रिटर्न एग्जामिनेशन बीएसएफ कंडक्ट करवाएगी, और आपकी जो वैकेंसी है, जितनी आपकी वैकेंसी है उसके कितने गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, तो याद रखना 8 गुना कैंडिडेटों को यहां पर बुलाया जाएगा पीटी और पीएचडी के लिए। पीटी और पीएचडी के लिए कितने कैंडिडेटों को, लगभग अगर बात करें तो 7000 के लगभग कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इस बार बीएसएफ ट्रेड्समैन में रिटर्न एग्जामिनेशन में उन्हें क्वालिफाई किया जाएगा, और यही वो 7000 कैंडिडेट होंगे जो फिजिकल भी देंगे, और जो फिजिकल में पास होंगे वे बच्चे ट्रेड टेस्ट देंगे, और ट्रेड टेस्ट में जो पास होंगे वो बच्चे मेडिकल देंगे, और मेडिकल के बाद में फाइनल मैट लिस्ट के आधार पर फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। अब देखो मैं क्लियर कर देता हूं, 2021 का जो रिजल्ट आया उसमें सबसे हाई कट ऑफ वाले स्टेटों की बात करें तो सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है भाई राजस्थान की। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, एमपी से बिलोंग करते हैं, तो आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा 80 का, 80 प्लस का टारगेट लेके ही आप लोगों को चलना पड़ेगा। और मैं आप लोग क्लियर कर दूं, 80 प्लस का टारगेट आप कैसे यहाँ पर पार कर पाएंगे, कैसे 80 प्लस का टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे, तो आपको तीन चीज पर आपकी बेहतरीन पकड़ होनी चाहिए। अगर तीन चीज पर आपकी पकड़ हो गई तो आप किसी भी ट्रेडमैन का एग्जाम या किसी भी फोर्सेज का एग्जाम है वो आप आसानी से क्रैक कर सकते। आप सभी को पता है हाल ही में जो हमने 2021 की भर्ती के लिए जो ट्रेडमैन का डेडिकेटेड और टारगेटेड बैच चलाया था, 2021 की भर्ती के लिए हमारा वर्दी बैच, उससे 250 प्लस बच्चों का सिलेक्शन अभी तक हो चुका है, तो बहुत ही अच्छी बात है। बच्चों के बार बार कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, अब उन सभी का मेडिकल यहां पर होने वाला है, और आप सभी की नई वैकेंसी के लिए आप लोगों के कहने पर हमने नया वर्दी बैच शुरू कर दिया है, और ये बैच भी हमारा टारगेट बैच रहने वाला भाई, ये भी हमारा टारगेट बैच है जिसमें हर एक बच्चे का 80 प्लस का टारगेट लेके ही तैयारी करवाया जा रहा है, और जो ट्रेडमैन के लेवल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी, जिनमें बिल्कुल जीरो से लेकर जो आपके लेवल तक पूछा जाता है ट्रेडमैन में वही चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाएगी, ताकि कम समय में आप अच्छा स्कोर कर सके, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की लाइव क्लासे, पीडीएफ नोट, साथ ही टेस्ट सीरीज बैक फैकल्टी के साथ बेसिक से लेकर एडवांस तक एक एक चीज आप लोगों की क्लियर की जाएगी। तो अभी जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, और अभी से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर दे, प्ले स्टोर पे जाके बेस्ट एग्जाम सर्च कर लीजिएगा, साथ ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस कोर्स पर अभी चल रहा है बंपर ऑफर, एग्जाम तक मात्र 399 रुपए में आप फाइनल सिलेक्शन तक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और जो भी बच्चे बीएसएफ ट्रेड्समैन की रिटर्न हमारे वर्दी बैच से तैयारी करके रिटर्न पास करेंगे उन सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी, तो देरी नहीं करनी है, अभी से बिल्कुल जीरो से आप लोगों को तैयार हो जाना है। देखो आप सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो आपको तीन चीज पर पकड़ होनी चाहिए, वही टारगेट हमने 2021 के एग्जाम में रखा और उसका फायदा हमारे बच्चों को मिला और हम सबको उसका फायदा मिला। देखो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, अगर यहां पर बात करें तो आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा। अगर रीजनिंग की बात करूं तो ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और रीजनिंग में आपको 22 प्लस का टारगेट लेके चलना पड़ेगा भाई, उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो आप आराम से 22 प्लस टारगेट पूरा कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है मैथ, जिससे सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है, और इस मैथ में भी 22 प्लस का टारगेट आप पूरा आसानी से कर सकते हैं।
अगर आपको पता होगा कि किस लेवल से और कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप अगर उनकी ध्यान से तैयारी कर लेंगे तो आप 22 प्लस मैथ में भी स्कोर कर सकते हैं। तीसरा सब्जेक्ट आता है आप लोगों का हिंदी। हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी आप 22 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। अगर तीन सब्जेक्ट की बात करें तो यहां पर आपके 66 नंबर तीन ही सब्जेक्ट में आपके बन जाते हैं, बाकी एक सब्जेक्ट आपका जीके का रह जाता है। अगर जीके की बात करें, क्योंकि जीके का पोर्शन काफी बड़ा होता है और कहीं से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, फिर भी हम टारगेट लेके कि 18 प्लस या 15 का टारगेट ले लेते बच्चों। चलो 15 का टारगेट मैंने ले लिया तो यहां पर हमारा जो स्कोर है वो 81 जा रहा है और हमने जो टारगेट रखा था वो 80 प्लस का रखा था। और इसी रणनीति से हम बच्चों को तैयारी करवा रहे ताकि वो कम समय में अच्छा स्कोर करके फाइनली सिलेक्शन हो जाए। अब बात आती है एग्जाम डेट की, तो बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूं, 24 तारीख से बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2021 का मेडिकल शुरू हो रहा है, 24 तारीख से एसएससी जीडी का फिजिकल शुरू हो रहा है, और लगभग बात करें तो फिजिकल 1.5 से 2 महीने फिजिकल चलने वाला है, क्योंकि 4 लाख बच्चों का फिजिकल करवाएगी एसएससी और जिसमें बीएसएफ में भी फिजिकल होगा, तो बीएसएफ अभी बिजी रहेगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं लगभग जून आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट में आप लोगों का रिटर्न एग्जामिनेशन है, वो बीएसएफ कंडक्ट करवाने वाला है। तो इस बार रिटर्न एग्जामिनेशन की बेहतरीन तैयारी कर लीजिएगा, इस बार 2021 से कम कंपटीशन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि काफी बड़े बदलाव होने की वजह से बहुत कम फॉर्म इस बार बीएसएफ ट्रेड्समैन में अप्लाई हुए। दोस्तों आपने कौन सी ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया है और आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।